कोई नहीं बुला लो देश में इस देवी का इतिहास में नाम तो नहीं है देवी का छेड़े देने में और लोगों के बीच में 25-25 साल बच्चे नहीं होते पूरी जिंदगी निकाल जाती है भरती है भगत को भी नहीं आना यहाँ पर उसके मुंह में चप्पल लगे भगत क्या कह रहा है कि यहाँ से किया गया है तो उस भगत को यहाँ पर ले आना मरी मरा हो जाएगी जो कह रही हूँ उस भगत को यहाँ पर ले आना जिसने बोला है कि यहाँ से किया गया उस भगत को यहाँ पर लेकर आना ये देवी अपने आप ऐसे भगत यहाँ पर नाके रगड़ते हैं और ये खुला चैलेंज है जिसकी भगत ने कहा है उस भगत को खुला चैलेंज है इस दरबार में आ जाए और इस दरबार से वो भगत एक भी शक्ति अपनी दिखा दे ये दरबार बंद उसी दिन से इस देवी की भक्ति बंद अगर वो भगत आकर इस दरबार में कुछ भी चैलेंज कर दे अपने मुंह से कोई भी बेटा सबके आगे देवी है आप अपना घर संभालिए अपनी लड़की संभालिए और जो भी भगत कहता है तांत्रिक कहता है मैं तो भगतों को ठगी बोल मैंने भक्तों को ये बोलता हूँ कि भगत मना कर दिया तेरे पे और बाय और माँ की बोल देखो वो मतलब पैसा लगता है सब पैसे की माया है और हम यहाँ पर लेते हैं पैसा आपसे कुछ ले रहे हैं यहाँ पर कभी लिया कभी 5 पैसे या किसी चीज की यहाँ पर पुकार कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्यों किसी का बुरा होगा ये अच्छे के लिए खोला कौन भगत ने बोला है ना जो जिस भी भगत ने बोला वो भगत यही लेकर आए वो भगत यही आ जाए बुला मम्मी हो पापा हो भगतों को यहाँ बुला रहा हूँ तो भगतों को चैलेंज कर रहे हैं जो भी भगत बोल रहे हो बस आपने नेक काम किया है आप उस पर भरोसा रखो अच्छाई की है तो आपके साथ बुराई नहीं करेगी और जो भी भगत है एक ने बोला दो ने बोला या 10 ने बोला कितने भक्तों ने बोला सब भक्तों को यहाँ पर खुला चैलेंज है सब आ जाए यहाँ पर कहीं कभी हो सब यहाँ पर आते हैं घबराओ ना बेटा भक्तों को पर यहाँ पर खुला चैलेंज करते हैं क्योंकि जो लेते हैं ना उनको मैं भगत नहीं समझता उनको मैं भगत नहीं समझता और साथ में खुद भी गया होगा इसके साथ में हमें गंगा जी नवाओ वही तो हुआ कि ठगी तो हुई खुद ना हो हमें भी नवाओ कुछ भगत बोलते हैं हमें तो वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा चाहिए अब वैष्णो देवी यहाँ से कितना दूर है कितना खर्चा है व्यक्ति अपना जाएगा अपने परिवार को जाएगा एक बंदा भी साथ ले जाएगा तो कितना खर्चा हो गया उसका और फोन आता है ये कहती है तो छुट्टी वाले चाचा परेशान कर रहे हमें तो कोई दिखाई नहीं ये सब अंधविश्वास और ठगी के जरिए बना रखे और कुछ नहीं बेटा सब भक्तों ने बोला है जो कुछ बोला है मम्मी को बुला दूंगी सब मेरा आशीर्वाद छूट गया सब आप यहाँ पर बुला दो जो भी आपके ऊपर आक्षेप रखा है उसको प्रत्यक्ष में बोलो भैया मेरा पिंडा छोड़ो वहां जाकर देखो प्रत्यक्ष में क्या हो रहा है बस उसके ऊपर छोड़ो वो सब आप फूल सुन गया उसी फूल में ये मिला देना उस फूल को मैं आपसे कार्य बदल दो पानी के छींटे मार ठीक है।